हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह मात्र पालना नहीं माँ की तरह रखता है ख्याल। राजस्थान के जालौर जिले के मड़गांव निवासी जितेंद्र मेघावल ने एक ऐसा बैटरी से संचालित पालने का मॉडल बनाया है जो एक माँ का स्वरूप है। जितेंद्र अप्रैल में जापान जाने वाला था लेकिन कोरोना के कारण यह प्रोग्राम आगे खिसक गई। जितेंद्र ने बताया कि इस झूले की यह खासियत है कि झूले के पास जैसे ही कोई जानवर या सांप आदि आए तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। वहीं यदि बच्चा सूसू या पॉटी कर दे तो भी झूला बीप के माध्यम से माँ को बता देता है। इसमें कैमरे भी लगे हुए हैं जो मोबाइल से अटैच होते हैं। माँ बाजार जाए तो मोबाइल पर एक ऐसा मैसेज आ जाता है जिसमें बच्चे के विजुअल्स होते हैं। इतना ही नहीं, यह तापमान के अनुसार भी बच्चे का ख्याल रखता है। गर्मी अधिक होने पर तापमापी लगा होने से ऑटोमेटिक पंखा शुरू हो जाता है। यह झूला पूरा रिमोट से कंट्रोल होता है। यदि बच्चे की नींद टूटी जाए तो झूला ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा ताकि झूलते गई बच्चे को फिर से नींद आ सके। जितेंद्र प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। इनके द्वारा बनाया गया सांकेतिक सेंसर युक्त झूला मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हो चुका है। इन्हें जापान में अप्रैल 2020 में आयोजन के लिए आमंत्रित किया था लेकिन कोरोना के कारण आयोजन निरस्त हो गया। जितेंद्र अब मड़गांव की राजकीय स्कूल से सीनियर पास कर चुका है और इस मॉडल के नए आइडियाज पर काम करने के लिए पढ़ाई करनी है। जापान की संस्था की ओर से जापान में इस तकनीक और स्कॉलरशिप के जरिए पढ़ाई करने का मौका आया हुआ है लेकिन आने जाने के लिए जितेंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है जिस कारण उसे परेशानी हो रही है। जीतू को आर्थिक रूप से मदद करने वालों की दरकार है ताकि तकनीक की बादशाहत रखने वाले देश के मड़गांव का जितेंद्र भी अपने हुनर को पंख लगा सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। जागरूक टीवी के जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।